अब दूसरी मुरली वो 2 तारीख की, ये 5 तारीख की, मास वो ही सितंबर 75। अभी ये मुरली अभी अभी के अभ्यास की, अभी बैठेंगे ना हम, ये ज्वालामुखी योग में, तो ये फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो? फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देंगे। हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपनी एक्ट करते दिखाई देते हैं, तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देते हैं। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं? रात दिन का अंतर दिखाई देता है ना। लाइट का फोकस उनके फीचर्स को ही परिवर्तन कर देता है। ऐसे ही बेहद के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स अव्यक्ति स्थिति के लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते, साकारी के बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक्ट हर एक को सुतह ही, आपकी हर एक्ट हर एक को सुतह ही आकर्षित करने वाली होंगी। जैसे आज हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हुए और न देखना चाहते हुए भी हद के एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, परंतु उसका आधार लाइट ही है। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पाठ बजाने वाले हैं और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले हैं, जिनकी स्थिति भी लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं, वे हर आत्मा को सुतह ही अपने तरफ आकर्षित करेंगे। आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नैनों जैसी आकर्षण करने वाली है? कौन सी ऐसी वस्तु है ड्रामा के सिवाय? और कौन सी ऐसी वस्तु है, चीज है, जो मनुष्यों को आकर्षण करने वाली है? टीवी। जैसे टीवी के द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीन सीनरियां देखते हुए कई आकर्षित होते, अर्थात गिरती कला में चले जाते हैं, ऐसे ही फरिश्तों के नैन दिव्य दर्शन का काम करेंगे। जब लाइट रूप होंगे तो फरिश्तों के नैन दिव्य दर्शन का काम करेंगे। हरेक के नैनों के द्वारा सिर्फ
इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों कालों का दर्शन करेंगे। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप सुवभ मार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे फरिश्तों के युक्ति युक्त बोल अर्थात अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा के हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। जो गायन है देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसे ही आप श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्वशक्तियां सर्वगुण तथा सर्व वरदानों के पुष्पों की वर्षा सर्व के प्रति होंगी। तभी तो आपको आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझ करके भगत गान द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रही है। क्योंकि अंत समय इन लाइंस को थोड़ा अच्छी रीत समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि अंत समय सर्वात्माएं अभी जो अंत की घड़ी विनाश की घड़ी के समय सर्वात्माएं विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं देवता धर्म के अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं जो सत्युग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगी बल्कि बाद में इस धर्म के वृद्धि होने के समय से लेकर अंत तक के समय में आपका देवता रूप दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करेंगे। आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियां सर्व आत्माओं में मर्ज रहती है अर्थात समाई हुई रहती है। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सत्युगी सृष्टि में न आते हुए भी ये बात समझना, सत्युगी सृष्टि में न आते हुए भी द्वापर से सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप के प्राप्ति की स्मृति इमर्ज हो जाती है और गायन पूजन करते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं समझा अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को। ऐसे बेहद के एक्टर्स सुतह ही अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, यही तो डबल लाइट स्थिति और स्टेट आप सबको और बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। जीरो और हीरो दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे, समझा। मुरली चलते चलते उन दिनों में लाइट ऑफ हो गई। फिर बाबा बोले अभी देखो
लाइट से कितना काम होता है, रात को ही बाबा आते थे ना। अभी देखो लाइट से कितना काम होता है, अभी भी आप सबके आकर्षण करने की वस्तु लाइट के आधार पर ही तो है। अच्छा, ऐसे सदा जीरो के साथ हीरो पार्ट बजाने वाली, सदा जीरो के साथ जीरो स्थिति, जीरो के साथ हीरो पार्ट बजाने वाले, सदा देने वाले देवता स्वरूप हीरो खुद भी जीरो खुद भी बनकर जीरो बाप की याद में हीरो पार्ट बजाने वाले, सदा देने वाले देवता स्वरूप विश्व में स्वयं को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं संपन्न करने वाले, ऐसे फरिश्तों को फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले और फरिश्तों की दुनिया से पार रहने वाले बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब और क्या सुनेंगे, नियमानुसार फिर से आज का वरदान। ये तो डायरेक्ट मुरली वरदान ही सुनते रहे, मुरली के नियमानुसार आज का वरदान अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव, अपने ऑक्यूपेशन के स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव, अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर के रहो, राजयोगी अर्थात राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है, राजा में कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं, वह कभी अपने संकल्प गोल और कर्म व्यर्थ नहीं गंवा सकते। अगर न चाहते हुए भी व्यर्थ चल जाता है तो क्या कहेंगे उसको, अगर न चाहते हुए भी व्यर्थ चल जाता है तो उसको नॉलेजफुल राज, नॉलेजफुल व राजा नहीं कह सकते। स्लोगन आज का, स्व पर राज करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं, स्व पर राज करने वाले ही
सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। अब ओम शांति।